एग्जाम आइडिया बुक में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैम अभी आप इवोल्यूशन करा रहे हो? अभी हम ट्राई करेंगे 3 चैप्टर करने का फटाफट से रिवीजन, ठीक है? कौन कौन? और डेटा वाइज रिवाइज करेंगे, पहले इवोल्यूशन करेंगे, फिर आई गेस ममता ने माइक्रोब्स वाला बोला, माइक्रोब्स वाला करेंगे, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है? ओके तीन मैम, ओके तीनों करेंगे। अब चैट सेक्शन में लिखना बंद, सिर्फ यहाँ पे समझ लो चीजें। मैम एक क्वेश्चन बता दो मेरा, क्वेश्चन क्लास के एंड में बस छोटा सा मैम बता दो ना बताओ। मैम। इसमें है द बायोगैस कंसिस्ट ऑफ अ कंसेंट्रेटेड टैंक 10 to 50 feet डीप इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ ड्यूरिंग इस फीड। तो मैम ये समझ नहीं आ रहा, 10 to 50 feet डीप क्या दे रखा है? 10 to 15 डीप वो जो कंटेनर होता है ना उसका साइज दे रखा है। हाँ हाँ मैम, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। ओके मैम, कंटेनर होता है। तो देखो इवोल्यूशन चैप्टर में ध्यान से समझ लो सबके सब। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, मतलब जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर ईयर्स याद रखेंगे। ईयर्स में आप लोग क्या याद रखें, यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर है। तो ऑप्शन में 20 बिलियन दिया हुआ है, 20 मिलियन दिया हुआ है, तो 20 बिलियन ईयर है वो। फिर अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन। अर्थ के ऊपर लाइफ कब आया? 4 बिलियन ईयर रहेगा। 4 बिलियन रहेगा 3 ईयर। 20 बिलियन ईयर रहेगा, 4.5 बिलियन ईयर रहेगा, एंड 4 बिलियन ईयर रहेगा। दीज आर द 3 क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। हमारा जब लाइफ बना सबसे पहले एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर का था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें ज्यादा थी वहां पे। फिर धीरे धीरे उस रिड्यूसिंग को किसमें कन्वर्ट कराया गया? ऑक्सीडाइजिंग में कराया गया। जब तक नेचर रिड्यूसिंग था तब तक हमारे पास किस टाइप के बैक्टीरिया थे वहां पे? अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया थे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करके H2S गैस प्रोड्यूस करते थे अपने अंदर से, वो वाले बैक्टीरिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने H2O यूज करना शुरू करा, जिससे वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करना शुरू किया। यहाँ पे धीरे धीरे हमारा एटमोसफेयर डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है? और इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से इस वाले टॉपिक से नहीं आते। लाइफ का ओरिजिन 500 मिलियन ईयर एगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन, मतलब जब अर्थ बना। अर्थ कब बना? 4.5 में। तो 800 मिलियन साल बाद उसके ऊपर लाइफ आई ना, मतलब अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर आने में कितने साल लग गए? 500 मिलियन ईयर्स लग गए। सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म आई अर्थ पे, मतलब वो ऐसी फॉर्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी अपने, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं थी। वो कब आई? 3 बिलियन ईयर रह गए, ठीक है? वो क्या आते हैं जनरली? बहुत बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल से, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, इन सब से बने हुए थे। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स पर है, खुद रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो रिप्रोड्यूस कर जाते थे फर्स्ट। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को नॉन सेलुलर लाइफ को हम प्रोटोबायोंट्स बोल देते हैं ना, या फिर कोअ सर्वेंट्स टर्म यूज करते हैं इसके लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कोअ सर्वेंट्स के ऊपर, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। बाकी सारी इनके अंदर सेलुलर कैटेगरीज थी, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होता है सब थे इनके अंदर, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं था। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आई? 2 मिलियन ईयर है वो। सबसे पहले कहाँ पे आई? वॉटर के अंदर आई थी, जिसको हमने हॉट डाइल्यूट सूप बोला था ना। yes, डाइल्यूट सूप जिसको कंसीडर किया गया था, ठीक है? ये चीज है। तो ईयर्स कौन कौन से हो गए? 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स, 4.5 पे अर्थ, फिर 4 पे आपका लाइफ, और 4 में से भी 3 बिलियन ईयर एगो नॉन सेलुलर, और 2 बिलियन ईयर एगो सेलुलर लाइफ। डन? यस मैम। कोई डाउट है? मैम सेलुलर लाइफ तो मैम 2 बिलियन ईयर आएगा आई थी ना। हाँ 2 मिलियन, सॉरी सॉरी सॉरी, बिलियन 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 बिलियन। मैम ये सारी जो मतलब
हमें मिले, जैसे कि लाइफ और मतलब ये सब आपने जो बताए सभी मैम मिलियन ईयर अगो में है, फिर बिलियन ईयर अगो में मिलियंस में, कोई मिलियंस में नहीं, मिलियंस में सिर्फ 500 वाला। ओके मैम, सब याद रखना, सबसे पहले बी है तो सारे सबसे पहले बिलियन ईयर्स में आए थे। मैम हमारी एनसीईआरटी में तो लिखा है 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले आई थी लाइफ, सब फर्स्ट सेकंड फॉर्म में होगा बेटा। मैम मिलियन है, 1000 होगा मैम, 2000 500 मिलियन हो गया एंड देन 4 बिलियन 4 बिलियन 3 बिलियन एंड सेलुलर वाला 2 बिलियन आई थिंक इट शुड बी बिलियन, चेक करना पड़ेगा बेटा ये फिर, क्योंकि मिलियंस इयर्स पे नहीं था मैम वो अर्थ के वो दिया आफ्टर लिखा है ना उसमें, तो 4 बिलियन ईयर है वो मैम, मिलियंस लिखी है मतलब हमारी एनसीईआरटी में अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन 2 बिलियन ही हो गए मैम, 2000 हो गया ना, 2000 मिलियन इज इक्वल्स टू 2 बिलियन। हाँ मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो याद रखना सारे बिलियंस में हैं। ओके मैम ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है आपकी थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में कुछ ने यही बोला गया कि कोई सुपर पावर्स टाइप से थी, उन्होंने अर्थ को बनाया मतलब लाइफ बनाई इसमें ये, हाँ मनु श्रद्धा वगैरह, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते मनु श्रद्धा वगैरह, तो याद रख ले, याद रख लेना जो स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी थी ना ये बिल्कुल आपकी हाइपोथेटिकल थी। फिर कॉस्मोजोइक एंड पेंस्पर्मिया थ्योरी, इन्होंने बोला था कि भाई किसी दूसरे स्पेस से हमारे अर्थ के ऊपर कोई ये इन्होंने बोला स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब जैसे होता ना स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी से इसको एनर्जी, तो बोला कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से आई, इसको डिसअप्रूव किसने किया स्पॉन्टेनियस को, लुईस पाश्चर ने किया। फिर लुईस पाश्चर ने अपनी खुद की थ्योरी दे दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस स्पेशल क्रिएशन, एंड देन उसके बाद थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, देन स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने डिसअप्रूव किया लुईस पाश्चर ने, उन्होंने खुद की थ्योरी दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस उन्होंने बोला कि भाई बायोजेनेसिस, बायो का मतलब होता है लिविंग, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, की जो लाइफ है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन के आई है, एक प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया जिसके अंदर लाइफ डिड नॉट कम फॉर केल डेज, इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ करके इनको एक्सपेरिमेंट करके दे दिया था, वही बॉटल नेक वाला था ना, ब्रोकन बॉटल नेक कट कर दिया इन्होंने, नेक हाउस, हाँ वो नेक को कट कर दिया, एंड देन कट करने के बाद फिर उन्होंने देखा कि इसमें एक में लाइफ बना है, एक लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखो ये हमारे पास बॉटल नेक वाला है, अब यहाँ से एयर आ रही होगी एंड एयर आ रहा है और नीचे से हम लोगों ने इसको हीट कर रहे हैं, और जब हीट करते हैं और यहाँ पे हमने वाटर भी लिया था, वाटर के साथ शुगर्स वगैरह ऐड लिए थे एंड इसके साथ आपका ईस्ट लिया था, तो वाटर नीचे से हीट कर रहा है, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद देखो यहाँ से वेपर्स जाएंगी एंड यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएंगे वो वेपर्स, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा, तो फिर एयर की एंट्री रुक जाएगी ना यहाँ पे, यस बाहर से नहीं आ पाएगी, तो इसमें इस वाले जो फ्लास्क था फर्स्ट वाला इसमें कोई लाइफ नहीं आई थी, लेकिन सेकेंड वाले में जिसके हमने नेक को ब्लॉक कर दिया उसकी वजह से डायरेक्ट एयर की एंट्री होती रही यहाँ से, तो इस वजह से इसके अंदर लाइफ मिली थी। पता ना हमारे बॉटल नेक एग्जांपल आपने बॉटल गोट बताया, स्वान इसकी नेक देखो ना मैम, तो स्वान होता है वैसे वैसे है कुछ, हाँ स्वान है ना, स्वान नेक बॉटल एक्सपेरिमेंट ऐसे फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इसको ऐसे बोल दे, ब्रोकन वाले से इसको याद रखते हैं कि ब्रोक कर दिया था उसके अंदर आपका लाइफ आया था, जिसकी स्वान नेक थी उसके मैं इसको याद ऐसे रखती हूँ, स्वान नेक ब्रोकन बॉटल एक्सपेरिमेंट, इससे मुझे याद रखता है कि जो ब्रोकन वाली थी ना उसके अंदर लाइफ आई, वैसे सिंपली इसका स्वान नेक एक्सपेरिमेंट होता है, लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट भी इसको बोल देता है। ठीक है,
ठीक है, और लुईस पाश्चर ने कौन सी थ्योरी डिसअप्रूव की थी? इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई थी हमारी, नेक्स्ट थ्योरी थी ऑपरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी। अब तक इस पे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, याद है मैम 800 डिग्री सेल्सियस या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन सी गैसेस है। और एक और क्वेश्चन देखा था मैंने मॉड्यूल में, तब वहाँ पे ना मेंशन किया हुआ था कि बताइए ए बी सी पार्ट के हैं। मैम जो सी पार्ट था ना वो वहाँ पे कंडेंसर को भी मेंशन कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट कहाँ से थे? ऑपरिन एक रशियन साइंटिस्ट थे, एल्डन इंग्लैंड से साइंटिस्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। साइंटिस्ट के ऊपर, इयर्स, टेम्परेचर के ऊपर और गैसेस किस किस का मिक्सचर है वो, बाकी सिक्स पे डायग्राम भी बना के दे देते हैं और उसमें भी पूछ लेते हैं, लेबलिंग करा लेते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ये यहाँ से स्पार्क डिस्चार्ज चल रहा है, ये आपका क्लोज वेसल, यहाँ से वैक्यूम जा रहा है और नीचे कौन से अमाइनो एसिड्स बने थे यहाँ पे? मैम ग्लाइसिन और एलेनिन। एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बनाता, एलेनिन और एस्पार्टिक में कंफ्यूज हो गए, ग्लाइसिन बने थे ना। आग से याद रखना, आग ए ए एस्पार्टिक एसिड और जी वाई आ गई, ऐसे याद रख लेना जी वाई ग्लाइसिन। मैम एलेनिन भी था उसमें, तीन बने थे ना, एलेनिन भी है। सबसे ज्यादा अमाउंट में एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन थे, ऑप्शन में कभी कभी एस्पार्टिक एसिड से ग्लाइसिन भी दे देते हैं, अगर तीनों दिए हुए तो तीनों को पिक करना है आप लोगों को। ओके मैम, ऑप्शन अकॉर्डिंग जाना है। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी हम उसको बोलते हैं। क्या क्या देखो, ए ए मतलब एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन और जी वाई ग्लाइसिन। दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। एस एल मिलर एंड एच सी यूरे ने भी इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, दिस हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। ईयर पे भी क्वेश्चन आ जाता है 1953 में, ठीक है। ऑपरिन एंड हेल्डेन ने क्या दिया था, केमिकल इवोल्यूशन दिया था। केमिकल इवोल्यूशन समझते हो? यस मैम। एक होता है केमिकल इवोल्यूशन, एक होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में मतलब किसका इवोल्यूशन हुआ होगा, केमिकल कंपाउंड्स का, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, आरएनए, ये सब बना। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में लिविंग सेल का इवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, फिर उससे बैक्टीरियाज बने, फिर उससे हेटरोट्रॉफ, देन ऑटोट्रॉफ, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। तो ऑपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या बोला था, लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फिर इसी को प्रूफ किसने कर दिया था, ये एक्सपेरिमेंट करा के या फिर यूरिन को एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया, मतलब एक ने थ्योरी दिया, एक ने एक्सपेरिमेंटली इसको बता दिया। डन। यस मैम। जो यहाँ पे अमाइनो एसिड बन के आए, इनको हम नॉन सेलुलर फॉर्म बोलेंगे या फिर सेलुलर फॉर्म बोलेंगे लाइफ का? नॉन सेलुलर फॉर्म से यहाँ पे बन के आए हैं, ठीक है। बोलो, एनी डाउट? नो मैम। नॉन सेलुलर, सेलुलर से बन गया है, तो मैम इसका आंसर नॉन सेलुलर है ना? हाँ, इसका आंसर नॉन सेलुलर है। ओके मैम, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को सेलुलर के बारे में पढ़ना है कि एग्जैक्टली सेल्स डेवलप कैसे है। उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। क्यों मैम इल्मस? देखो क्यों का मतलब है, हमें यहाँ पे अमाइनो एसिड्स बने ना, अमाइनो एसिड्स क्या खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दीज आर द नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल्स, जो कि किस किस से बने, एक हमने टेम्परेचर दिया उनको,
और क्या दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया और एयर दिया, चीजों से मिलके गैसेस दिया, गैसेस का मिक्सचर दिया, उससे मिलके हमारे पास एक नॉन सेलुलर फॉर्म डेवलप हो गया जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा, इस वाले एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक भी था कि नेचर में यूवी राइज, यूवी रेज का, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूवी रेज नहीं यूज किया था लेकिन नेचुरली एटमॉस्फेयर में यूवी रेज भी होती है, तो यूवी रेज का कोई रोल इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया था। इलमस समझ आया, बोलो। अब एविडेंसेस पे आ जाओ, एविडेंसेस तो आपको पता ही है, प्रूफ हमारे पास क्या क्या है कि भाई इवोल्यूशन हुआ ही है। हम बोलते हैं कि आज के लाइफ टाइम में हम लोग ह्यूमंस हैं, हम इससे पहले हो सकता है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वगैरह ऐसे से कुछ हुए हो, पहली लाइफ वाटर के अंदर ही क्यों आई। जैसे एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ते हो ना, तो एनिमल किंगडम चैप्टर में पूरा का पूरा वो इवोल्यूशन का ही तो ट्रेंड दिया हुआ है कि भाई सबसे पहले जो हमारे पास एनिमल्स थे वो सेल से बने, पोरीफेरा से, सेलुलर फॉर्म थी उनके अंदर, कोई ऑर्गन नहीं था एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और कुछ ऑर्गन नहीं था उनके अंदर, सिंपल सेल थी, वाटर के नाल सिस्टम करते थे, ऑस्टिया से वाटर लेते थे, ऑस्क्यूलम से बाहर वाटर निकाल देते थे, ऐसा वो करते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए टेंटिकल्स डेवलप करे, अपनी एसिमेट्री से कौन से सिमेट्री में आए, रेडियल सिमेट्री के अंदर आए, अपने अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करना शुरू किया, मेटाजेनेसिस, पॉलीमेड्यूसा, ये सब फॉर्म। फिर धीरे धीरे अपने अंदर एक नई नई प्रॉपर्टीज लेके आए, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी लेके आए, देन उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कब तक हम ऐसे ही रहेंगे, अपने आप को एज अ पैरासाइट किया, अपने अंदर धीरे धीरे टिश्यूज बनाना शुरू करा, सेल्स का एग्रीगेशन करना शुरू कर दिया, लूज सेल एग्रीगेट्स टाइप से बना बना के फ्लेम सेल्स बना दिया एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, देन और अपने आप को डेवलप करा, अपने सेक्सेस सेपरेट कर लिया, अपनी बॉडी को राउंड बना लिया, कभी फ्लैट बना लिया, फ्लैट प्लेटी हेलमेंथीज में, राउंड इसके हेलमेंथीज में, अपनी सिमेट्री थोड़ी थोड़ी चेंज करनी शुरू करा, तो ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर वो एडेप्टेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे एंड में जाके क्या है, मैमल्स, मैमल्स से मतलब हमसे ज्यादा डेवलप तो और कोई नहीं है ना आज के टाइम में। यस मैम, तो इसीलिए मैमल्स के बाद कोई क्लास नहीं आई। हो सकता है आज से 100 इयर्स बाद हमारे अंदर इवोल्यूशन हो के हम कुछ अलग टाइप के इंसान बन जाए, कोई नया ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए। जैसे अभी मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, मेमोरी ग्लैंड, वो वाइवी पेरस है, दो कैरेक्टर है। इसके अलावा कोई और ग्लैंड डेवलप हो जाए, कोई और ऑर्गन डेवलप हो जाए जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल पीरियड और ज्यादा बढ़ जाए, तो एक नई क्लास बन जाएगी मैमल्स के बाद। यस मैम, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पे थे, पहले एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स में आए होंगे, फिर कुछ रेप्टाइल्स ने उड़ना शुरू कर दिया, कुछ रेप्टाइल्स ने कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हो गए, देन फिर वो मैमल्स एंड में आके मैमल्स में कन्वर्ट हुए। कुछ वहीं पे रह गए, कुछ आगे निकल गए। जैसे एग्जाम्पल सिंपली रहता है नीट एग्जाम में, 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 1 लाख बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है एमबीबीएस में, वो आगे निकल जाता है, कुछ बच्चे बीडीएस में चले जाते हैं, कुछ आयुष कॉलेजेस में, कुछ बीएससी, तो अलग अलग हो जाता है ना सब। ऐसे थोड़ा ना जितने पॉरीफेरा के अंदर मेंबर्स थे, जैसे ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स है, अब ये कोई ये थोड़े ना बोलेगा कि हम इंसेक्ट्स से बने, नहीं बने हैं ना हम लोग इंसेक्ट्स से, हम लोग इंसेक्ट से नहीं बने क्योंकि कुछ एनिमल्स थे उनमें जो अलग अलग टाइप का कैरेक्टर्स दिखा रहे थे, कुछ इंसेक्ट्स बन गए ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे 2/3 मतलब 2/3 जितना भी अर्थ पे एनिमल्स है वो सब किसके अंदर आता है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो ऐसे ऐसे करके एविडेंसेस, अब हमें कहाँ से पता चला कि हम लोग कहाँ से डेवलप हुए हैं, वो पैलेंटोलॉजिकल मतलब हमें क्या मिले, हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले। हमें क्या पता भाई डायनासोर आज के टाइम पे है नहीं है, फॉसिल्स मिले ना, उसी से हमें पता चला कि हाँ भाई डायनासोर होता है। तो एज ऑफ फॉसिल हम कैसे पता लगाते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली याद रखना, सबसे बेस्ट स्टोन कौन सा कंसिडर किया जाता है जिसपे हम फॉसिल देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे अच्छा उस पर स्टडी किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस किसने प्रूव किया था, अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल। इसको डिसअप्रूव किसने कर दिया था, हांस वॉन बेयर,
तो अपने जहाँ पे शॉर्ट नोट्स या स्टिकी नोट्स या कहीं पे भी आप क्योंकि रिवीजन वाले नोट्स बना रहे हो ना, वहां पे इन साइंटिस्ट के नाम लिख लेना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, अर्नेस्ट डिसअप्रूव किया कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर्स ने, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इन्होंने पूरा एक वो डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा कि जितने फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स सब अपनी एम्ब्रियोनिक पीरियड में सेम है, हम सबके अंदर भी गिल्स होता है एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड के अंदर, लेकिन वो डिसअप्रूव डिमिनिश हो जाता है एडल्ट के अंदर आके क्योंकि यूज नहीं है उसका। फिर नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, याद रखना है होमोलोगस ऑर्गन हमेशा एचडी से, याद रखना कौन सा इवोल्यूशन दिखाएगा, दस क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो दस में से दो क्वेश्चन यही से मिलेंगे, तीन क्वेश्चन भी यही से मिल सकते हैं। यशली मैम मेरे पास एक ट्रिक है, एचडी एसी में बैठ के फिल्म देखो, एचडी एसी, ठीक है। एच होमोलोगस ऑर्गन डाइवर, अब डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग जगह सब डाइवर्ज हो रहे हैं, सिंपली डेफिनेशन से याद रखना, एक कॉमन प्लेस पे थे सब, सब अलग अलग जगह डाइवर्ज हो गए, तो भाई इन एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, एंसेस्टर सेम हुए ना सबके, अब अलग अलग जगह चले गए सब तो फंक्शंस डिफरेंट हो गए। यस मैम, यस मैम। अब कन्वर्ज का मतलब है अलग अलग जगह से सब आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, एंसेस्टर अलग होंगे, तो इनका फंक्शन सेम हो गया तो ये कन्वर्ज, तो ये एनालोगस ऑर्गन्स है और ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, होमोलोगस में कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन ये आपका डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में तो इवोल्यूशन हो गए नहीं, इस एरो को बना ले, एक जगह से निकल रहे एंसेस्टर सेम है और फंक्शन अलग अलग करने लग जाएंगे क्योंकि कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, तो सबके काम करने के तरीके अलग हो जाएंगे, सबकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी, लेकिन है तो उनका ओरिजिन एक ही ना, सब एक ही जगह से निकल के आए हैं, हरियाणा से सपोज कोई यूपी गया, कोई दिल्ली गया, कोई पंजाब गया, सबके फंक्शन अलग हो गए, सबकी लैंग्वेज अलग हो गई बट ओरिजिन सेम है सबका, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से याद कर लेना, कर लोगे सारे एग्जाम्पल्स वो तो सिंपली याद करने वाले से। है हमारे पास डार्विन साइंटिस्ट की कहानी जो कितने साल के लिए घूमने गए थे, 6 या 7 से कौन से ईयर तक, दिखा नहीं बनी है पता नहीं, याद मत रहा, वॉइस तो उनके 5 years की थी ना, अरे 7 साल के गए थे बट 5 साल में पता नहीं, 2 साल में थी ना। एडेप्टिव रेडिएशन सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एडेप्टिव पीवाईक्यूज में आपको मिलेगा, एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, लेकिन मैम एनसीईआरटी में एडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से दिखा हुआ है, डाइवर्जन ही होगा मैम, ये डाइवर्जेंट है, इसके मर्सुपियल्स के एग्जांपल दिए हुए ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स और प्लेसेंटल वुल्व्स के, वहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट है वहां पे, यस मैम, यस मैम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तक लिखा है एनसीईआरटी में, यस मैम मैंने रिप्रेस पे लिखा था कि सारे जितने एडिट रेडिएशन वो एक जगह आकर मिल गए इसलिए शायद कन्वर्जेंट, एडैप्टिव रेडिएशन से इंक्लूड करा है सारे एडैप्टिव को, ये बेसिक से कंफ्यूजन से तो दूर करो अपने, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ हैबिटेट्स, एग्जांपल्स डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स,
और एक प्लेसेंटल मैमल्स वाला एग्जांपल में क्या आएगा? कन्वर्जेंट आएगा. ऑस्ट्रेलिया डार्विन फिंचेस दोनों के दोनों डाइवर्जेंट के हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डार्विन फिंचेस के अंदर भी यही था ना, सारी की सारी फिंचेस एक जगह पे रहती थी लेकिन वो सबकी सब अलग अलग एरियाज में चली गई. उनकी ईटिंग हैबिट थी वो चेंज हो गई, कोई सीड ईटिंग बन गई, कोई इंसेक्ट ईटिंग बन गई, कोई फ्रूट ईटिंग बन गई. उसी अकॉर्डिंग उनकी बीक में चेंजेस आने शुरू हो गए, वैरायटी ऑफ बीक्स उनको देखने के लिए मिल गया. गैलापागोस मिली थी ना, क्या क्या डार्विन को 14 फिंचेस मिली थी ना देखने के लिए, 14 फिंचेस देखने के लिए मिली थी. ये सुन लो मैम, प्लेसेंटा वाला कन्वर्जेंट कैसे है? प्लेसेंटा वाला कन्वर्जेंट है वो बताऊंगी कैसे. डार्विन वाला समझ में आया डाइवर्जेंट क्यों है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की कहानी सुनी है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ ना वो बंटवारा टाइप से हुआ था जिसकी वजह से वो सारे ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जगह पे चले गए थे एंड फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर चेंजेस हो गए थे. ये ऑस्ट्रेलिया और एक और जगह है, उन दोनों के बीच में हुआ था ये कुछ उस टाइम पे वॉर जिस वजह से मार्सुपियल्स चेंज हुए थे. तो ये भी डाइवर्जेंट का क्योंकि अलग अलग जगह डाइवर्ज हो गए थे सब. लेकिन जो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं, अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ो. मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन. मतलब अब देखो ना क्या हुआ कि हमारे पास अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन, अलग अलग जगह डाइवर्ट हो गए, अलग अलग जगह रेडिएट हो गए एनिमल्स, एंड एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन आके एक कॉमन एरिया में मिल गए. एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन आके कॉमन एरिया में, जैसे कि फिंचेस थी ठीक है, एक कॉमन एरिया से निकली फिंचेस, एक सीड ईटिंग बन गई, अलग अलग मिल गई. लेकिन वो सीड ईटिंग वाली जिस जगह पे गई उस जगह पे कोई दूसरे हैबिट की भी आ गई फिंचेस, कोई दूसरा एनिमल आ गया. तो वहां पे क्या हुआ, दो अलग अलग जगह से वो डाइवर्ट हो गया लेकिन वो एक कॉमन एरिया में मिल गई ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में उनको मार्सुपियल मॉल्स बोल देंगे. क्वेश्चन कभी नहीं आता इसके ऊपर, सिर्फ ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इनको ध्यान रखना. रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम दोनों. गैलापागोस आइलैंड से निकले सब डाइवर्जेंट, निकल के जिस एरिया में गए उस एरिया में कहीं और से भी डाइवर्जेंट के थ्रू आ गए तो दो हो गए ना वहां पे. ये शैली बताओ, ये मॉल्स में मैं टीवी पे देखे हैं, मैं से कोई मूवी में देखे हैं, मैंने क्या देखे हैं मूवी या फिर होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स वाला ठीक है. नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन बताया, आप ही ने बताया 7 इयर्स की थी. मैम 5 इयर्स की थी मैम, 31 36 था मैम. वो गए मैम, उनका काम था 5 साल का बट वो 7 साल में आए. मैम क्वेश्चन अगर आएगा तो मैम क्या लिखना होगा उसमें, मतलब ऑप्शंस क्या, फिनिश कब किया इन्होंने, व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट गेट फिनिश्ड. उसके लिए 7 इयर्स, अगर बॉयज आएगा तो फिर 5 इयर्स. क्योंकि ये तो नहीं पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में कि टास्क कितने दिया गया था उनको, कितने साल का टास्क दिया गया था. जैसे आप लोगों के लिए सिंपल, मैंने आप लोगों को काम दिया कि आप लोगों को एक दिन में असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, आपने उसको फिनिश कितने दो दिन में आप करके दे रहे हो, तो आपने जो काम दिया सबमिट करके उसका टाइम कितना काउंट होगा, 2 डेज ही काउंट होगा ना. यस मैम, तो इस काम का जो डार्विन 5 डेज में ही कर दिया था. अरे यस 5 डेज में, इयर्स में 7 इयर्स में वही ठीक है. ये वाला पार्ट अप कर लेना. और नेक्स्ट चीज लेमार्क की थ्योरी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है भी. लेमार्क का जब भी नाम याद आ जाए ना इसे वो याद कर लेना, जिराफ. यस मैम, यूज ऑफ जिराफ ही आ जाता है लेमार्क का नाम आते ही. जिराफ ने क्या, जिराफ अपना वो पेड़ की लीव्स खाते थे
तो नीचे नीचे की खाली सारी, ऊपर ऊपर की बच गई। अब उनको क्या करना पड़ेगा, नेक को स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा स्ट्रेच करते चले जाएंगे, एक ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। फॉरेजिंग लीव्स ऑन टॉल ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट था इनके अंदर। तो यहीं से लमार्क ने सिर्फ एक जिराफ को देख लिया और थ्योरी बना के दे दी हमको। लेकिन फिर हमने इस थ्योरी को जब किसके अंदर लगाया, माइस के अंदर लगाया, तो वहां पे माइस की टेल कट कर दी, उसको 30 तक जनरेशन तक हमने करा के देखा क्रॉस, किसी भी माइस के अंदर कट टेल नहीं देखने के लिए मिली। तो इसका मतलब जो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर, एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो आपके अंदर मम्मी पापा से आए हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आपने खुद से अडेप्ट किए हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आपकी मम्मी पापा को डांस नहीं आता है, आपको डांस, आपने डांस सीख लिया, ठीक है, तो वो आपको मम्मी पापा से नहीं मिला ना, तो जरूरी नहीं आपको डांस आता है तो आपके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनको भी डांस आता हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा डांस करने में अच्छे थे, आपको डांस आया, तो चांसेस हैं कि आपके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनके अंदर भी डांस की कैपेबिलिटी हो सकती है। तो होते ना बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मम्मी पापा पढ़ाई में कुछ नहीं थे, या मम्मी पापा बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर ही नहीं बनता, मतलब बन जाता है, जरूरी नहीं होता बन रहा, ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वाले भी हम लोगों को पता ही है क्या होती है। नेचुरल सिलेक्शन में भाई जो नेचर के अकॉर्डिंग जाएगा, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा, अनलेस वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलता है। वही सेम हमारा नीट वाला कॉन्सेप्ट, जो डेली 6 से 7 घंटे पढ़ रहा होगा, अभी अच्छे से पीवाईक्यूज लगा रहा होगा, एग्जाम टाइप तक कंसिस्टेंसी बना के पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप लोग नीट एग्जाम से एलिमिनेट हो जाओगे। यस मैम, सेम चीज बिल्कुल। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे गए थे वहां के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा था। एक और चीज उन्होंने देखी थी ना कि वो जिस एरिया से निकल के गया था वहां पे तो छोटे छोटे लिजार्ड थी, बहुत छोटे छोटे साइज के एनिमल, वो गैलापागोस में बहुत बड़े बड़े साइज के लिजार्ड, बड़ी बड़ी साइज के फिश, बर्ड्स वगैरह देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम था। अब आप लोग देखो मेहनत कब करते हो, जब आपका कंपटीशन अच्छा होता है ना। अब सोचो 10 बच्चे ऐसे क्लास में, 10 में से सिर्फ एक शैली है जो अच्छे से पढ़ाई कर रही है बिल्कुल, बाकी बच्चे शैली को पता है कि भाई बाकी कोई मेहनत करता ही नहीं है, तो शैली का भी जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा ना। वो सोचेगी भाई फर्स्ट तो मेरे को याद है, चाहे मैं थोड़ा पढ़ लूं या ज्यादा पढ़ लूं, आ जाएगा ना उसके मन में। लेकिन अगर वो जो बाकी 9 बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छी मेहनत करे, तो शैली और मेहनत करेगी कि मुझे सबसे आगे निकलना, 90 बनना है, 95% लाना है, 98-99 तक लेके जाना है, ठीक है। तो कंपटीशन से क्या बढ़ता है, साइज कम होता है आपका, साइज कम इन द सेंस मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है। यस मैम, तो ये वाला चीज आप कर लोगे। तो सबसे पहले लेमार्क थ्योरी हो गई, फिर डार्विन थ्योरी होगी नेचुरल सिलेक्शन वाली। और डार्विन किसकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए थे, थॉमस माल्थस की, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ, इसको भी देख लेना। डार्विन ने क्या बोला था, इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, स्मॉल डायरेक्शनल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसी का जस्ट अपोजिट ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दिया था, जिनके yes, हम सॉल्टेशन भी बोल देते ना। यस मैम, इन्होंने देखो, इन्होंने बोला स्मॉल है, वेरिएशन जो आ रहे हैं वो स्मॉल है, लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने बोला बहुत लार्ज होता है, रैंडम होते हैं, बिल्कुल डायरेक्शनल नहीं होते, सडन होते हैं, अचानक से आने वाले प्रोसेस, जर्की प्रोसेस होता है। गलती क्या थी इनकी, गलती थी इन्होंने एक ही प्लांट पे काम किया, जैसे हमारे लेमार्क ने किया सिर्फ जिराफ को देखा, इन्होंने भी सिर्फ इवनिंग प्राइम रोज को देखा और उसी के अकॉर्डिंग। इवनिंग प्राइम रोज के अंदर क्या था, जंपिंग जीन था, एक दूसरे ग्राउंड में जंप करते रहता था, उसकी वजह से तो भाई ऑब्वियसली म्यूटेशन आएंगे ही आएंगे। उसी के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि भाई जितना भी एवोल्यूशन चल रहा है ना, ये सब क्या, सब म्यूटेशन की वजह से है, ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था हमारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज आई थी हमारे पास, कौन, हार्डी वेनबर्ग वाला कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है।
हार्डे वेनबर्ग ने ये बोला भाई एक इक्वेशन एक दे दिया इन्होंने जो कि इक्वेशन कभी एप्लीकेबल हुई ही नहीं, और बोला कि भाई ये इक्वेशन एप्लीकेबल तब होगी, कब, जब रैंडम मेटिंग नहीं होगी, सब कुछ इन्होंने बोल दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी जो आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन ये कॉन्स्टेंट रहेगा, नहीं तो ये चेंज, दिस इज द जीन फ्रिक्वेंसी, जीन की फ्रिक्वेंसी है, पी स्क्वायर हमेशा यूज करता है होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, क्यू स्क्वायर को होमोजाइगस रिसेसिव बताता है, हेटरोजाइगस, और हेटरो में तो डोमिनेंट रिसेसिव होता ही नहीं है कुछ, ठीक है, ये हमेशा इज इक्वल्स टू वन रहेगा। एक फॉर्मूला पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, पी का मतलब है कि रिसेसिव एलील की फ्रिक्वेंसी क्या है, क्यू का है डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होती है, इनके न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ट्राई कर लेना। हाँ जैसे हेटरोजाइगस बताना हुआ तो मैम 2pq पूरा निकालना है ना हमें? हाँ, अगर ये हेटरोजाइगस पूछेंगे तो पूरा 2pq निकालना, सिर्फ pq मत निकाल के देना कि p और q मिला उसके मल्टीप्लायर इनटू 2 भी करना उसका। ओके मैम, ठीक है मैम, एग्जांपल 21 हाँ, अगर 21 आया उसका 42 आंसर आएगा। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल का मतलब होता है कि भाई एक पॉपुलेशन के अंदर कितने टाइप के जीन्स है, जैसे कि अभी मेरी क्लास में है, मेरी क्लास में कोई ब्लू आईज वाले भी होंगे, कोई ब्लैक आईज वाले भी, कोई ब्राउन आईज, तो टोटल कितने जीन्स हो गए? 3 जीन्स हो गए ना, तो जीन पूल, मेरी क्लास में इतने बच्चे आएंगे हमेशा ये जीन पूल मेरी क्लास का कॉन्स्टेंट रहेगा। कब तक कॉन्स्टेंट रहेगा? जब तक कोई यहाँ पे जब तक जीन माइग्रेशन ना हो, यहाँ पे इमिग्रेशन ना हो जाए, ठीक है, तब तक ही होगा ना वो कांस्टेंट, तब तक ही रहेगा जीन फ्लो, जीन फ्लो नहीं तो चेंज हो जाएगा, बाकी या तो आएगा या तो जाएगा, कोई एक चीज होगी ना, हाँ कोई एक चीज होगी दोनों में से, तभी जीन चेंज होगा, अनलेस नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स पे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत देखा गया है, तीन टाइप के सिलेक्शन होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव पहचानना तो बहुत इजी होता है भाई, दो पीक्स आ जाता है। यस मैम, स्टेबलाइजिंग में आपका लेट सपोज 3 से 5 तक की फ्रीक्वेंसी दी, और अगर ये स्टेबलाइज हो रहा है 4 नंबर पे, 4 नंबर वाला ज्यादा काउंट दिख रहा है तो स्टेबलाइजिंग हो गया। डायरेक्शनल में अगर 5 नंबर वाले ज्यादा काउंट दिख रहे हैं या 3 वाले ज्यादा दिख रहे हैं तो डायरेक्शनल हो गया, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, बीच में नहीं रह रहा है ग्राफ, एक साइड हो रहा है, या तो 3 में या 5 में, तो उसको डायरेक्शनल बोलेंगे। और अगर 3 के भी ज्यादा मिल रहे हैं, 5 का भी काउंट ज्यादा मिल रहा है तो डिसरप्टिव हो गया। ये 3-5 वाला समझ में आया? दोबारा बताओ। देखो यस मैम, सिंपली समझो कि हमारे पास ना एक इन्फेंट्स है, ठीक है, तो इन्फेंट्स में क्या है कि 2 ईयर्स वाले हैं, 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स वाले तक बच्चे हैं, ठीक है, एक जगह क्या हो रहा है ना, सर्वाइवल रेट हम इनका देख रहे हैं कि कौन ज्यादा सर्वाइव कर रहा है, तो केस 1 में क्या हो रहा है ना, मेरे पास जो आपके 4 ईयर्स वाले हो रहे हैं ना, या 3.5 समथिंग वाले ईयर्स वाले, वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। केस 2 में 2 ईयर्स वाले ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, और केस 3 में 3 ईयर्स वाले भी सर्वाइव कर रहे हैं, 4 ईयर्स वाले भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो केस 1 में ग्राफ जो है वो आपका मीन बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, मतलब इन दोनों का एवरेज उसका काउंट बढ़ रहा है, ना तो कम एज वाले ना ज्यादा एज वाले, मीन वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना 3.5 पे। केस सबसे छोटी एज वाले सिर्फ वही सर्वाइव कर रहे हैं, 2 ईयर्स वाले ज्यादा सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, लोअर की साइड शिफ्ट हो गया। अगर यहीं पे सारे 5 ईयर्स वाले सर्वाइव कर रहे होते, 5 ईयर्स वाले सर्वाइव कर रहे, तब भी ये डायरेक्शनल हो जाता ग्राफ। यस मैम, केस 3 में क्या हो रहा है कि 10 ही बच्चे 3 साल वाले सर्वाइव कर रहे हैं, 10 ही बच्चे 4 साल वाले सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो 2 पीक्स आ जाएंगे, बन जाएंगे।
ऐसे क्वेश्चन आ रहा था, वो अलग अलग पूछ लेते हैं कि काउज मिल्क दे रही है या फिर बच्चों के ऊपर भी, दो तीन क्वेश्चन इसके पीवाईक्यूज में भी आपको मिल जाए। ग्राफ देके भी पूछ लेंगे या केस टाइप का क्वेश्चन भी दे देंगे। Yes, ma'am. इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है। देखो अगर इस वाली ये किया है आप लोगों ने पहले, मैंने तो पढ़ाया था अपने बाद में बच्चों ने, कुछ नहीं आया इसमें। देखो लेकिन इसमें याद नहीं होता है, सिंपल दो तीन चीजें याद रखना, प्लांट किंगडम भी पढ़ा है तो शैली वो ट्रिक सबको ग्रुप में शेयर कर देना। मैम सीला की जवानी इस वाले गाने से मैम याद रख। एक और बार बता दो। देखो बताते, सबसे पहले प्लांट किंगडम चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तब आपको। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम एल्गीज पढ़ते हैं, फिर रायो, फिर टेरिडो, जिम्नो एंड देन एंजियोस्पर्म। तो जैसे एनिमल किंगडम में मैंने आपको बताया वो पूरा इवोल्यूशन का ट्रेंड बताता है, ऐसे ये भी पूरा इवोल्यूशन का ट्रेंड बताता है हमको। तो सबसे पहले बोल रहे कि भाई हमारे पास क्लोरोफाइटा थे, क्लोरोफाइटा मतलब ग्रीन एल्गीज, फिर क्लोरोफाइटा से हमारे पास आए ट्रेकियोफाइटा, लेकिन आप देख रहे हो ट्रेकियोफाइटा से बीच से एक एरो निकल के जा रहा है जहां पे बीच में क्या बन रहा है, ब्रायोफाइटा, बिकॉज हमें पता है एल्गी के बाद क्या बनते हैं, ब्रायोफाइटा। तो बीच में से निकल के जा रहा है आपका ब्रायोफाइटा, तो यहाँ पे अगर ये ग्राफ भी दे दिया, ए दे के पूछ लिया तो आप बता सकते हो उसको। फिर हमारे पास है ट्रेकियोफाइटा, वही टेरिडोफाइटा इज नोन एज ट्रेकियोफाइटा, जिसके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स आए। फिर ट्रेकियोफाइटा से आपके राइनिया टाइप प्लांट्स आए, फिर साइलोफाइटोन। इन राइनिया प्लांट्स को मत याद रखना, साइलोफाइटन का याद रखना सिर्फ डायरेक्टली, ठीक है। अब साइलोफाइटन से ही आपके फर्न्स आए, मतलब टेरिडोफाइटा के अंदर की क्लासेस है फर्न्स और टेरिडोफाइट्स। यस मैम। इसी से ही हमारे जिंकगो आया, जिंकगो मतलब जिम्नोस्पर्म। यही से कॉनिफर्स आए हमारे, यही से प्रोजिम्नोस्पर्म। फिर इसी से ही आपके सीड फर्न्स आए, फर्न्स अगेन टेरिडोफाइट्स, मतलब ऐसे जिम्नोस्पर्म जिनके अंदर धीरे धीरे सीड बनने शुरू हुए। क्वेश्चन जो पूछा गया है अब तक वो लाइकोपोड्स के ऊपर पूछा गया। लाइकोपोड कहाँ से आ रहा है, ये ट्रेकियोफाइटा के बीच से आ रहा है। तो पहले ज़ूस्टेरोफाइलोन आ रहा है, देन आपका लाइकोपोड्स आ रहा है। सीड फर्न किससे डेवलप हुआ है, सीड फर्न आपके साइलोफाइटन से डेवलप हुआ है। कॉनिफर्स किससे डेवलप हुआ है, साइलोफाइटन से। फर्न किससे डेवलप हुआ है, साइलोफाइटन से। जिंको किससे, मतलब सबके सब साइलोफाइटन से डेवलप हुए। सिंपल सी चीज है, सिर्फ दो अलग है, कौन कौन सा, लाइकोपोड एंड ब्रायोफाइट। तो ये याद रख लेना, बाकी कुछ भी आ जाए साइलोफाइटन लगा देना। मैम ब्रायो तो याद रहेगा, क्लोरो से टेरिडो तक के बीच में ही आता है ब्रायो, हमें पता है। हाँ बेटा बोलो। मैम दोबारा रिपीट दो। देखो सिंपल सी चीज है, इसको याद रखने का तरीका, दो केस याद रख लो कि क्लोरोफाइटोन और ट्रेकियोफाइटोन के बीच में कौन आता है, आपका ब्रायोफाइट आते हैं, वो तो हमको याद ही रहता है। फिर ट्रेकियोफाइटो और साइलोफाइटोन, ये राइना टाइप प्लांट्स में कभी नहीं आया। ट्रेकियो और साइलो के बीच में टाइम पीरियड में कौन आया, लाइकोपोड्स आए, ये याद रख लेना। बाकी अगर आपसे कोई पूछ ले फर्न्स के एंसेस्टर्स कौन है, साइलोफाइटोन। कॉनिफर्स के एंसेस्टर साइलोफाइटोन, एंसेस्टर साइलोफाइटोन। सीड फर्न्स के साइकोफाइटोन, साइकेट्स हो गए, डाइकोट्स हो गए, नेटल्स हो गए, सब के साइलोफाइटोन, होस्टेल वगैरह सब डायरेक्ट। लाइकोपोड्स पे क्वेश्चन आ हुआ है और बाकी इन पे फर्न्स कॉनिफर्स पे भी क्वेश्चन, लाइकोपोड तो याद ही रहेगा। टाइम पीरियड्स, टाइम पीरियड देखो किस किस का याद रखना है, लाइकोपोड्स का याद रखना है आपको टाइम पीरियड, क्योंकि जनरली ये वाले जितने हैं ना सारे के सारे सेम टाइम पीरियड में। देखो जुरेसिक एंड क्रिटेशियस पीरियड, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस, याद क्वेश्चन किस में आएगा, लाइकोपोड पे आया हुआ है, परमियन पीरियड के अंदर ये आपका आया था। और ब्रायोफाइट्स कब आए थे, क्वार्टरनरी। तो दो याद रखना, लाइकोपोड परमियन पीरियड, ब्रायोफाइट क्वार्टरनरी टर्शियरी पीरियड। इसके अलावा फर्न्स कॉनिफर्स ये सब पूछ ले तो जुरासिक क्रिटेशियस में से लगा देना। ओके मैम। मेजर मेजर इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होता ज्यादा,
ज्यादा नहीं होते, मतलब जब बहुत सोचे ना कि हाँ थोड़ा लेवल ना इस टेबल से, तो मैम इस टेबल में ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग में टाइम पीरियड वगैरह आ गया था, तो मैम कैसे करेंगे फिर? वो असेंडिंग डिसेंडिंग अलग 50 माइनस कर दो आ जाएगा, टाइम पीरियड वाला अलग है थोड़ा। मैं आपको लिखवाया था ये रहा कौन कौन सा पीरियड होता है, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, एनिमल्स वाले केस में आता है उसे। मैम अभी तो याद हो भी जाए, पेपर वाले दिन सब भूल जाते हैं। इसीलिए तो ना शॉर्ट नोट बना के रखा करो, जो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो। ठीक है, जैसे इन्होंने किया हुआ है कि यस शैली मैम एक बार ट्रिक देखना कैसी है। थैंक्स शैली इतना टाइप करने के लिए। अच्छा आपने ट्रिक भेज दी, एक मिनट चेक कर। कैमरामैन ऑर्डर करता है शैली को यानी सिलोबियन को कि वो देव की कार पर ट्राई करे जूसी क्रिटेशियस। अच्छा साइलूरियन पीरियड, और फिर आपने देव की कार डेवोनियन, कार कार्बोनिफेरस, पर परमियन पीरियड, ट्राई ट्रायसिक, जूसी जुरैसिक, क्रिटेशियस। ठीक है, जुरैसिक क्रिटेशियस, हाँ याद कर सकते हो, इसको लिख लो सब इसको। मैम ऐसे याद कर लेंगे, मैम ये कहाँ याद हो रही है, लो बेटा लिख के रख लो, क्वेश्चंस नहीं आते वैसे इस पे इतने, बट स्टिल एग्जाम में अगर आ गया ना तो फिर यही याद करोगे कि शैली ने ट्रिक बताई थी, काश पढ़ लेते। मैम इतनी ट्रिक हो जाती है ना कि ट्रिक ही भूल जाते हैं बच्चे। बेटा मैम अगर ट्रिक वाला बीच से कुछ गायब हो जाता है ना, जब उसमें भूलने के चांसेस रहते हैं, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है वो ट्रिक से कर लूंगा या किसी किसी को ऐसे नहीं याद होता। मैंने मैम पीरियोडिक टेबल ट्रिक से करी थी, फिर मैं सारी भूल गई। बेटा ट्रिक भी रिवाइज करते रहने पड़ती है, ट्रिक भी रिवाइज नहीं करोगे तो वो भी भूल जाओगे। यस मैम। मैम इस बार जगह चेंज नहीं करी इन्होंने मेजर टेस्ट नहीं, तेल अब तक आने वाले सारे टेस्ट में सेम रहे। मैम वो तो बहुत दूर है। मैम ऐसा क्यों, क्यों कराओगे आप? मैम बहुत दूर है वो सेंटर। ठीक है बच्चों, ये एनिमल्स वाला भी ना अभी के लिए इसको थोड़ा सा जितना मैंने आपको नोट्स में लिखवाया ना उसको कर लेना। डायनासोर कौन से पीरियड में आए थे और कौन से में एक्सटिंक्ट हो गए थे, सिर्फ ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यस अलीशा मैम एमसीक्यू कराओगे आप? बेटा आज तो नहीं टाइम बचेगा एमसीक्यू का, देखो हमारी क्लास एक क्लास तो आप लोगों की छुट्टी है क्या, किसी दिन कल है, कल सबकी छुट्टी है? यस मैम। यस मैम। नहीं है मैम, गवर्नमेंट छुट्टी है, मैंने कल मतलब उसमें देखा था स्कूल मैम, कल करवा चौथ है ना इस वजह से छुट्टी है। मैम हमारी नहीं है लेकिन मैम इवनिंग शिफ्ट वालों की नहीं है, मतलब बॉयज की नहीं है। मॉर्निंग में तो है आपका सब क्लास, सभी की है मॉर्निंग और इवनिंग में। इवनिंग में ले लो आप, नहीं इवनिंग वालों की नहीं है। चलो मैम मॉर्निंग में, कल वेडनेसडे तो हमारा क्लास नहीं होता, हमारा क्लास होगा फिर थर्सडे में होगा एंड देन फ्राइडे में। मैम कल मॉर्निंग में रख लीजिए क्लास। फ्राइडे को मैम एक्स्ट्रा करा देना, मैम सैटरडे को मतलब थर्सडे फ्राइडे को वेटेज बता देना, सैटरडे को मैम और क्वेश्चन करा देना। वेटेज तो एक दिन में भी पता चल जाएगी। नहीं मैम थर्सडे फ्राइडे को क्वेश्चन तो कराना ही, मैम सैटरडे को भी तो रिवीजन क्लास है उसमें भी हो जाएंगे। मैम सॉल्व का मतलब बस इतना है कि थर्सडे फ्राइडे को ना वेटेज के अकॉर्डिंग करवा देना क्वेश्चन, और मैम सैटरडे को रिवीजन क्लास जो होगी ना मैम उसमें एक्स्ट्रा करवा दीजिएगा। एंड आई गेस कल से आपका नेम भी शायद आ रही है। यस मैम। मैम क्या क्या मैम? यस मैम। यस क्या बोला आपने?
कल से नेहा मैम रिजॉइन कर रही है। चलिए इतना आप हो गए, एक बार जल्दी से ना माइक्रो बता दे। तो मुझसे पूछा था ममता ने पूछा था ना माइक्रोब्स वाला। मैं बट नहीं मैं हम बाकी लोग देख लो जल्दी से ड्रग्स वाला देख लो। ड्रग्स में सिंपली याद रखना ड्रग उसके रिसेप्टर और उनको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। एग्जाम में भी आया था ये हमारे ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिवेरम से लिया कैसे जाता है स्नॉटिंग इंजेक्शन सीएनएस को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है इसका एक्शंस और देख लेना ये सब क्या होता है पेन किलर की तरह भी इसको यूज किया जाता है। वाली पीडीएफ आप भेज दोगे टाइम पे कैनाबिनॉइड्स कहाँ से लिया जाता है कैनाबिस सैटिवा से ब्रेन पे जनरली अफेक्ट करता है कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल चरस हरीश गांजा मैरिजुआना ये डायग्राम भी आप याद रख लेना इसका आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना उसमें बनाने के लिए आ जाएगा ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत अफेक्ट डालता है इसको यूज करता है एरिथ्रोजाइलम कोका से इसको नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है ये आपका इसके अंदर कोकीन या फिर कॉक क्रैक ये सब आते हैं हेलुसिनोजन मेनली सोर्स से क्वेश्चन आता है क्या इसका सोर्स है एट्रोपा बेलेडोना धतूरा अदर ड्रग्स आपका इसमें जैसे कि आपका बार्टीरेट्स बेंजोडाइजोफीन एम्फेटामाइन ये सब आप याद रखना डिप्रेशन इंसोमनियास में ये यूज होता है मेनली सोर्स ठीक है या फिर इनका ना ये प्लांट का भी देके ये भी पूछा हुआ है कि कौन सा प्लांट है ये भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन है ओपॉइड्स पेपावर सोमनीफेरम कैनाबिनॉइड कैनाबिस सैटिवा स्टिमुलेंट एरिथ्रोजाइलम कोका एंड हेलुसिनोजन एट्रोपा बेलेडोना मैम ये स्टिमुलेंट को मैम सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैम एक बार स्लाइड डाउन कीजिए नीचे यस मैम मैम जीआईडी का फुल फॉर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनालिम्स ओके मैम ठीक है ये हो गया हमारा माइक्रोब्स वाला चैप्टर देख लो एक बार जल्दी से माइक्रोब्स तो पहले होगा ना इससे बायोटिक्स बाद इसके बाद इसके बाद है माइक्रोब्स वाला बायोटेक से पहले है ना नहीं बायोटेक से पहले लेकिन इसके बाद है ना आई गेस वो बॉटनी वाले में आएगा माइक्रोब्स वाला इसलिए इसमें है पूरा जूलॉजी का ना मामा कल करवा दीजिए मतलब नेक्स्ट वीक करवा दीजिए नेक्स्ट क्लास में ना पहले माइक्रोब्स में तो वो स्टैटिस्टिक्स वाला होगा ना उसके बाद होगा हम खुद से कर लेंगे माइक्रोस बहुत छोटा चैप्टर है मैम वो एक घंटे का भी नहीं है मैम सिंपल याद करना है बस इसमें थोड़ा बहुत है मैं एक छोटा सा सुन लो माइक्रोब्स वाले है ना क्वेश्चन बता दो बस नेक्स्ट का कौन सा क्वेश्चन आता है जैसे कि आपका इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग कौन होती है ठीक है उसके ऊपर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस और आपका और से ना वो एसिड्स थे जितने भी ब्यूटायरिक एसिड लैक्टिक एसिड फोर टाइप्स के थे ओरिजिनेट होता है उनके ऊपर क्वेश्चन आता है ये दो पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ से बहुत क्वेश्चन आ उनको कर लेना ममता और फिर जो आपका लास्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज वगैरह वाला उसके एक बार स्टेप्स देख लेना ये कर लेना मैम वैक्सीन बता दो किस तरह की होती है फर्स्ट सेकेंडरी और मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बता दो कौन सी मैम वैक्सीन मैम फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वैक्सीन बता डिफरेंस बता डिफरेंस फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म लिया जाता है किल्ड ऑर्गेनिज्म सेकेंड जनरेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया जाता है नहीं वो तो थर्ड जनरेशन होते हैं रिकॉम्बिनेंट वाला तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड में रिकॉम्बिनेंट आता है फर्स्ट में पूरा का पूरा होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है आई गेस सेकेंड में किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है मैम आपने लिखवा रखा है सब यूनिट वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखवा रखा है हम सेकंड जनरेशन में थर्ड में हम डीएनए वैक्सीन लिखा हुआ है डीएनए
सीन एंड उसमें होता ना एक बहुत टाइम हो गया मुझे चैप्टर पढ़े हुए मैम सेकंड में दिखा रखा आपने सब यूनिट वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी कौन सा मैम हेपेटाइटिस बी कौन सी वैक्सीन है सेकंड जनरेशन है मैम मैम वो तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लिखाई थी ना क्वेश्चन आता है इसके ऊपर सेकंड जनरेशन है मैम ये ईस्ट से बनती है बनाई जाती है मैम थर्ड जनरेशन पूरा डीएनए वैक्सीन बनाया जाता है सेकंड में रिकॉम्बिनेंट थर्ड में पूरा डीएनए को लेके उसी का कॉपीज क्रिएट करके बनाता है ओके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड हम टेस्ट में आया हुआ था ना पहले बार टेस्ट में आया हुआ था मैं इस बार आधा रिपीट कर सकते हैं रिपीटेशन हो सकता है बच्चों इन वाले चैप्टर जितने चैप्टर्स के आपके टेस्ट हो रहे हैं ना इनके पहले जितने टेस्ट हुए होंगे ना उन सबको अच्छे से मतलब उसमें जो भी डाउट्स आउट होंगे उनको क्लियर कर लेना और उन पेपर्स को जरूर सॉल्व करना मतलब ऐसे मान के चलना 40% पेपर रिपीटेशन में मिलेगा ही मिलेगा मैम मतलब जो भी सेंटर टेस्ट हमारे अब तक हो चुके हैं और मैम हो चुके हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मतलब इतना